अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ एक नमकीन डिश, और मेरी फेवरेट डिश रही है अरबी पराठे के नाम से। मैंने सोचा वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा, ठीक है जी। आए इसके तैयार करते हैं। चलिए जी, सबसे हमने इसके लिए डो गूंदनी है। इसके जैसे हम पेड़े बनाएंगे, इसके लिए मैदा लिया, और इसमें नमक और कॉर्नफ्लोर, उसके ऊपर मैं क्वांटिटी इसकी सारी लिख दूंगा वीडियो के ऊपर, और इसमें पानी, ये तीनों चीज़ें एक साथ ऐड करके इसको गूंदेंगे जैसे आप लोग घर में आटा गूंदती हैं। इतना चीज़ हो गया। अब थोड़ा इसको टेबल पे हम थोड़ा सा जैसे पफ पेस्ट्री को हम लोग गूंदते हैं वैसे इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे थक गई है। चलिए जी, ये तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, हम एक ऐसी डिश लेंगे उसमें हल्का सा इसमें ऑयल लगा देंगे, और इसके हम वेट करेंगे, इसके पेड़े बनाएंगे अराउंड कम से कम 50 से 60 ग्राम का, इससे बड़ा नहीं लेना, ठीक है। ये 60 ग्राम का हो गया, ठीक है जी। ये हो गया, जो बच गया इसके अंदर थोड़ा सा बराबर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके पेड़े बना के हम इसमें रखेंगे, ठीक है। ऐसे पेड़े बना के आपने एक दूसरे के साथ मिला के आपने रख देंगे इसको आधे घंटे के लिए, कम से कम आधे घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना, और इसको बिल्कुल पूरा फुल कर देना है, मतलब ऊपर अच्छी तरह ऑयल लगाना है ताकि इसके ऊपर जो ना ये पापड़ी ना आए बस। चलें जी, अब इसका सेकंड प्रोसेस है। अब हमने इसका मसाला बनाना है, ठीक है। आप लेना है जीरा, लेना है आपने 60 ग्राम, और कूटा हुआ धनिया लेना है, साबुत धनिया लेना है आपने, उसको कूटना है, इसको पीसना नहीं है, ठीक है। 60 ग्राम ये लेना है, दोनों बराबर होंगे। और इसमें हमने लेना है गरम मसाला 3 ग्राम, मतलब 1 टीस्पून, और इसमें हमने लेना है काली मिर्च ब्लैक पेपर 6 ग्राम 1 टेबल स्पून, और इसमें नमक लेना है हमने 4 ग्राम 1 टेबल स्पून, और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ चाइनीज सॉल्ट, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये इस्तेमाल नहीं करना चाइनीज सॉल्ट, तो आप इसके बराबर करना सेम चाइनीज की क्वांटिटी में आपने नमक ऐड करना है 30 ग्राम आपने फिर इसका नमक लेना है। अगर चाइनीज सॉल्ट इस्तेमाल करना चाहें तो 30 ग्राम आप चाइनीज सॉल्ट इस्तेमाल करके इसका एक मसाला बना लेना है आपने, इसको मिक्स करके अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, और इसको अच्छी तरह इसका एक मसाला ड्राई जो है वो आपने मसाला बना लेना है, ठीक है जी। अब ये मसाला तैयार हो गया हमारा। अब हमने इसके लिए जो सब्जियाँ का ली हैं, चलिए जी, अब सबसे पहले लेना हमने प्याज लेने हैं, हरे प्याज लेने हैं, ठीक है। हमने उसको काटना है ऐसे राउंड राउंड काटना है, ठीक है, ये 200 ग्राम में, ठीक है। उसके अंदर 200 ग्राम हमने ये कीमा जो है वो पहले से बॉईल करके रखा है, ठीक है। 200 ग्राम हमने कीमा लेना है, बराबर का लेना है, जितनी प्याज होगी उतना ही हमारा कीमा होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर 50 ग्राम इसमें हमने धनिया वो भी बारीक बारीक काट लेना है, आम तो 30 ग्राम आपने इसमें हरी मिर्च, और इसमें 200 ग्राम आपने टमाटर वो भी आपने बीच में से निकाल के आपने साइडों से आपने अच्छा इसको आपने मिक्स कर देना है। अब जो हमने मसाला बनाया था ये वाला, तो इसकी हम क्वांटिटी लेंगे, पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें से हमने लेना है 70 ग्राम हमने मसाला लेना है, ये 70 ग्राम मसाला लिया है, और इसको ऐड किया, और इसको आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। कोई बड़ा बर्तन ले लीजिएगा आप, उसमें कर दीजिएगा ताकि बिल्कुल अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, ठीक है जी। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बॉल इसमें सही मिक्स नहीं हो रहा था, तो आपने भी ऐसी बड़ा बर्तन लेना है, ट्रे वगैरह, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि मसाला और ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं। अब आपने मिक्स करके, अच्छा ये अगर ये आपका मसाला बच जाए तो आप इसको रख दें, ठीक है, किसी टाइट जार में रख दें, किसी शॉपर में आप इसको रख दें, और ये भी आप बना के रख सकती हैं। आप इसको बना के इसको किसी बॉल में डाल के आप इसको फ्रीज़र कर दें, लेकिन उसमें टमाटर ना डालें, टमाटर जो है ना वो ज़ाहिर करते वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, और एक दिन तक के तो रख सकते हैं, 1 से 2 दिन तक के आप फ्रिज में रख सकते हैं, कीमा ख़राब नहीं हो सकता,
ठीक है जी, अब आएँ आप इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए आप थोड़ा, आपने फ्राई पैन लेना है या तवा लेना है, तवा अगर घर पे हो तो उसमें भी बन सकते हैं। फ्राई पैन में थोड़ा सा आपने ऑयल डालना है, ठीक है, जब तक ये गर्म होता है। ठीक है, आधे घंटे के लिए आपने इसको रखा था, ये हो गया। अब ये आराम से जो है ना, अब इसको पेड़ को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ये आराम से हो जाएगा। अब ये हमने लिए है पट्टी, मांडा पट्टी, जिसके आप समोसे बनाते हैं कीमे वाले, आप वो खुद भी, ये तो खैर मैंने खुद ही बनाए, यहीं पर ही बनाए। इंशाल्लाह इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि ये आपने घर में किस तरीके से बनाने, ठीक है, वरना ये बाजार से मिल जाते हैं, आपने वो रखना है। ये कम से कम 5x3 5 इंच लंबा है, 3 इंच चौड़ा है, ठीक है, आपने ये रखना है। अब लेना है ये प्रोसेस, ये आपने ये मसाला लेना है जो आपने बनाया है, कम से कम आप इसमें लेना है 100 ग्राम 100 102 10 ग्राम आपने ये मसाला लेना है, ठीक है। इसमें एक अदद आपने एग ऐड करना है, ठीक है, और इसको मिक्स करना है आपने। अब आपने मिक्स करने के बाद आपने इसके जहाँ 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 आपने ये पट्टी रखी है मांडे की, इसके ऊपर जो है ना ये आना चाहिए, इसको अच्छी तरह आपने सेट करना है। और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कवर कर देना है इस तरह और इस तरह, और चारों तरफ से आपने इसको पैक कर देना, कवर कर देना। हमारा ऑयल जो है वो रेडी है, गर्म है, ठीक है। ये पैक करने के बाद अब आपने नीचे वाली साइड जो है आपने इसमें आराम से यहाँ रख देनी है, नॉर्मल आंच होनी चाहिए, ना इतनी ज़्यादा हो ना इतनी कम हो, ठीक है। ये चिमटा भी लाया है वो आपने, उसके बाद जो है ना आपने इसको पलटना है। तो चलो वो भी मैं आपको बता दूंगा जब तक मैं दूसरे बना के रखूँ, ठीक है जी। ये आपने थोड़ी देर के बाद आप इसको पलट देना है, आपने वाली साइड थोड़ी सी हो गई और ऐसी ही जैसे हल्का हल्का हो जाए तो इसको पलटते रहना है ताकि ये पकता रहे। देखिए ये हो गया, अब इसको ऐसे ही पलटते रहना है और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी फाइनल पिक इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा, और इसको मैं ऊपर ज़रा चूल्हे पे लेके जाता हूँ क्योंकि इसकी हीट थोड़ी सी कम है, तो वहाँ थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।